तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल कॉमर्स केयर में, ठीक है। और आज हम लोग जो फोर्थ चैप्टर है उसमें हम लोग जो सेकेंड एडजस्टमेंट को देख रहे थे, यानी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, ठीक है, इससे रिलेटेड आज हमारा एक और वीडियो है, ठीक है, एक और क्लास है। और इसमें आज हम लोग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और फंड के बारे में सभी चीजों को समझने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लें कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या फंड क्या होता है, ठीक है। तो हम बताए हुए थे कि बिजनेस में हम लोगों का कुछ काम जो होता है वो क्या होता है कि हम अपना कुछ पैसा किसी दूसरे बिजनेस में इन्वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। जैसे कोई बिजनेस में अपने कुछ पैसा से किसी दूसरे कंपनी का शेयर परचेज किया, ठीक है, और हम लोग जान रहे हैं कि मार्केट में हुए बदलाव के कारण, ठीक है, हमारा जो शेयर का वैल्यू है वो कभी घटता है और कभी बढ़ता है, ठीक है। तो शेयर के रेट के घटने और बढ़ने पर जो हमारा इन्वेस्टमेंट होगा उसका वैल्यू घटेगा और बढ़ेगा, ठीक है। तो इसके घटने और बढ़ने पर किस चीज के इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, इन्वेस्टमेंट के घटने और बढ़ने पर हो सकता है कि हमारा लॉस हो जाए और हो सकता है कि हमारा प्रॉफिट हो, ठीक है। तो अगर कोई लॉस होता है, ठीक है, इन फ्यूचर कभी अगर हमारा कोई लॉस हो जाए तो उस लॉस के कंपनसेशन के लिए, उस लॉस के क्षतिपूर्ति के लिए हम लोग पहले से ही हमारे प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स में से कुछ पैसा रिजर्व करके रख देते हैं। यह नाम हम लोगों को पता है कि वो इन्वेस्टमेंट के कंपनसेशन के लिए है, ठीक है। तो इसको हम लोग नाम क्या देंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और फंड, ठीक है। सबसे पहले ये किधर शो रहेगा हमारे बैलेंस शीट में, इसको देख लेना है। ये हमारा बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट का दो साइड, ठीक है, ये वाला एसेट्स और इधर हम लोग लायबिलिटी इसको लिखते हैं, ठीक है, अमाउंट और फिर अमाउंट, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखोगे कि क्या सब कर रहे हैं हम। यहां सबसे पहले हमारा इन्वेस्टमेंट हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, ठीक है, यहां इन्वेस्टमेंट आपको लिख देगा क्वेश्चन में, एसेट वाले साइड में इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब हमारे लायबिलिटीज वाले साइड में देता है रिजर्व का कुछ वैल्यू, लिखेगा इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और फंड, दोनों में से कुछ भी, ठीक है। कौन सा चीज किधर रहेगा ये पता चल गया, इन्वेस्टमेंट किधर होना है, एसेट वाले साइड में, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व किधर होना है, लायबिलिटीज वाले साइड में। अब दोनों साइड में इसका कुछ ना कुछ वैल्यू आपके क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। अब जैसे इन्वेस्टमेंट वाले साइड में इसका वैल्यू देता है 1,00,000, किस चीज का वैल्यू, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू। ये जो वैल्यू हम लोगों के बैलेंस शीट में लिखा हुआ रहता है उसको हम लोग बोलते हैं बुक वैल्यू। जो बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्डेड है उसको हम लोग कौन सा वैल्यू बोलेंगे, बुक वैल्यू बोलेंगे, ठीक है। अब हमारे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का भी कुछ ना कुछ अमाउंट जो है वो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि हम लोगों ने कुछ पैसा क्या किया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में प्रॉफिट का कुछ पैसा ट्रांसफर किया। अब मान लो कि ये अमाउंट जो है वो 30,000 है, कितना 30,000, ठीक है, 30,000 का हमारा क्या है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब क्या हुआ कि किसी भी कारण मार्केट में बदलाव आया और मार्केट में बदलाव के कारण जो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू है वो बढ़ा और घटा, बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, ठीक है। अब जो मार्केट का वैल्यू जब इसका बढ़ेगा और घटेगा मार्केट में तो उसको हम लोग बोलेंगे मार्केट वैल्यू, ठीक है। जिस इन्वेस्टमेंट को हम लोग अपने बुक में दिखाए हुए हैं 1,00,000 उसको बोलेंगे बुक वैल्यू, और इसका मार्केट में जो अभी वैल्यू होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मार्केट वैल्यू, ठीक है। अब देखो मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू से रिलेटेड तुम्हारे क्वेश्चन में डिफरेंट डिफरेंट टाइप का चीज जो है वो दिया रहेगा। सबसे फर्स्ट हम लोग कल बताए हुए थे, फर्स्ट होता है तुम्हारा जब इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं हो, कोई इंफॉर्मेशन इसके बारे में लोगों को नहीं दिया गया है, ठीक है। अब हम लोग सेकेंड देख लेते हैं, इंफॉर्मेशन क्या दिया कि मार्केट वैल्यू, इसका जो मार्केट वैल्यू है वो 1,00,000 ही है। कितना है मार्केट वैल्यू, 1,00,000,
अभी क्या लग रहा है, घटा या बढ़ा? पहले से कितना था इसका बुक वैल्यू? 1 लाख और मार्केट वैल्यू 1 लाख। तो क्या लग रहा है, घटा या बढ़ा? ना घटा ना बढ़ा, ठीक है। अब फिर हम लोग आगे आते हैं थर्ड, अब हम इसको एम भी लिख रहे हैं मार्केट वैल्यू को, ठीक है। जो मार्केट वैल्यू है वो हमारा अब घटा हो रहा, 80,000 पर आ गया, ठीक है। फिर एक बार जो है वो घटा हमारा, जो क्या घट गया हमारा मार्केट वैल्यू, इस बार जो मार्केट वैल्यू हो गया वो हो गया 70,000, घट गया ना। देखो 1 लाख था पहले, फिर 70 हो गया, 1 लाख था 80 हो गया, मतलब घट रहा है मार्केट वैल्यू। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस बार मार्केट वैल्यू जो है वो हमारा इंक्रीज कर गया, कोई दिक्कत नहीं? रुको यहां 60 कर देते हैं, बात समझ में आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद वाला मार्केट वैल्यू यहां पर इंक्रीज कर गया और कहां पहुंच गया भाई, 1,20,000 पर, 1,20,000 पर, ठीक है। हालांकि ज्यादा अच्छा था कि एक और हम दिखा ही दें मार्केट वैल्यू, इसमें 70,000 कर ही देते हैं, सारा चीज समझ में आ जाएगा। तो मार्केट वैल्यू से रिलेटेड कितना चीज हो सकता है क्वेश्चन में, ये 6 चीज, ठीक है। या तो क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देगा, इंफॉर्मेशन देगा कि उसका मार्केट वैल्यू पहले जैसा है, अगला इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में देगा कि मार्केट वैल्यू 80,000, अगला इंफॉर्मेशन देगा मार्केट वैल्यू 60,000, अगला इंफॉर्मेशन दे सकता है कोई भी एक, इन सब में से कोई एक ही देगा, 6 में से कोई एक देगा क्वेश्चन में, ठीक है। मार्केट वैल्यू कितना हो गया 1 लाख से 1,20,000, और फिर मार्केट वैल्यू क्या हो गया 1,70,000, कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसके लिए जर्नल एंट्री हम लोगों को प्रिपेयर करना पड़ेगा, यानी अब हम लोग इसका क्या देखते हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ठीक है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और फंड। तो हम लोग सबसे पहले सबसे फर्स्ट वाले के लिए जर्नल एंट्री पास करेंगे। अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, ध्यान से समझो, कोई इंफॉर्मेशन अगर नहीं दिया हुआ है इसका मतलब है कि इन्वेस्टमेंट का वैल्यू डिक्रीज नहीं हुआ, मतलब नहीं घटा है। अगर नहीं घटा तो ये रिजर्व का पैसा हमारा प्रॉफिट का पैसा होता है, तो प्रॉफिट का पैसा किसको मिल जाएगा, पार्टनर्स को मिल जाएगा, ठीक है। किसको मिलेगा, पार्टनर्स को मिलेगा। हम लोग इसके फर्स्ट वाले के लिए एंट्री पास कर देते हैं यहां पर, ठीक है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, और ये पैसा किसको मिला, पार्टनर्स को मिला, टू पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट, ठीक है। अब इस अमाउंट को जो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो, ठीक है। क्या हुआ कि मार्केट का वैल्यू डिक्रीज नहीं हुआ, मतलब है कि सारा का सारा प्रॉफिट हो गया हमारा, ठीक है। तो इस प्रॉफिट के अमाउंट को या रिजर्व के अमाउंट को हम लोग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दे रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम में, चाहे वो हमारा चैप्टर चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, ठीक है, या डेथ हो, इन चारों चैप्टर में हम लोग सेम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं इस आइटम के साथ, ठीक है। अब जो सेकंड वाला है, इसके लिए अगर हम एंट्री पास नहीं करें तो भी हम आपको यहाँ पर इस बात को समझा दें कि इन दोनों के लिए एक ही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा। यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, अगर इंफॉर्मेशन नहीं होता है तो हम लोग क्या मान लिए कि मार्केट वैल्यू डिक्रीज नहीं हुआ। सेकेंड वाला क्या बता रहे हैं, मार्केट वैल्यू 1 लाख, पहले कितना था 1 लाख, अभी कितना है 1 लाख, ना तो बढ़ा ना ही, तो यहाँ भी ना घटा था ना बढ़ा था, तो जो हम लोग अकाउंटिंग यहाँ पर एंट्री किए वही एंट्री हम लोग सेकेंड के लिए भी करेंगे, ठीक है। जब क्वेश्चन में दिया हुआ हो, जो मार्केट वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, बुक वैल्यू लिखा हुआ है, बता रहे कि वही मार्केट वैल्यू है, ना तो बढ़ा ना ही घटा, ठीक है, तो डायरेक्टली हम लोग जो रिजर्व का अमाउंट है उसको पार्टनर्स के अकाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड कदम। अब हम लोग थर्ड पर आते हैं, हमारा जो थर्ड बता रहा है उसमें मार्केट वैल्यू कितने का आ गया, 80,000 का आ गया, मतलब इन्वेस्टमेंट का वैल्यू जिसका पहले वैल्यू था 1 लाख वो अब घट के कितना हो गया 80,000, ठीक है। तो अगर हमारा इन्वेस्टमेंट घटा, मतलब एसेट घटा, हम लोग इसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। अब देखो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो कि लायबिलिटीज मतलब क्रेडिट बैलेंस है उसको पहले हम लोग डेबिट कर लेते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, ठीक है, 2 हो जाएगा। अभी इन्वेस्टमेंट का भी रेट घट गया, ठीक है, तो हम लोग इन्वेस्टमेंट को क्या कर लिए,
क्रेडिट कर दिए। ठीक है, अब देखो यहां हमारा कितने का अमाउंट है, 30,000। ठीक है, यहां भी हम अमाउंट डालते जा रहे हैं, समझ में तुम लोगों को आ जाएगा। अब मानते चलो तीन पार्टनर होगा, तो यहां तीनों पार्टनर का अलग अलग नाम लिख के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, ओल्ड रेशियो में। ठीक है, यहां देखो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 30,000 था, 30,000 डाले, इन्वेस्टमेंट का रेट कितना घट गया, 1,80,000 पे आ गया, तो 20,000 घट गया, यहां 20,000 हम लोगों ने लिख दिया। ठीक है, अब हमारा जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का अमाउंट है वो कितना बाकी है, 10,000। इससे हम इसका जो लॉस है उसको कंपनसेट किए, 30,000 से यहां 20,000 का जो लॉस हुआ, 1,80,000 पर आने पर 20,000 का लॉस, तो 30 में से 20 हमारा लॉस खत्म। अब हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन का रिजर्व का बैलेंस है वो 10,000 है, और उस 10,000 को हम लोग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो यहां आ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ओल्ड रेशियो में हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, ये हमारा थर्ड हो गया। थर्ड के बाद हम लोग यहां फोर्थ पर आते हैं, और फोर्थ वाले में हमारा क्या बता रहा है, मार्केट वैल्यू कितने का आ गया, 60,000 का। फोर्थ से पहले ना हम लोग इसको देख लेते हैं एक बार, सिक्स्थ को। ठीक है, फिर हम लोग चले जाएंगे कहां पर, मार्केट वैल्यू जो हमारा फोर्थ है उसमें चले जाएंगे। पहले एक बार सिक्स्थ को देख लो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, सिक्स्थ वाले में क्या बताया कि जो मार्केट वैल्यू है वो कितना हो गया, 70,000। सिक्स्थ वाले में 70,000 कितना था पहले से बुक वैल्यू, 1,00,000 से 70,000 पर आया, कितना घट गया, 30,000। यहां हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितने का था, 30,000 का था, सारा का सारा कंपनसेट हो जाएगा, जो लॉस हुआ उस लॉस का भरपाई हम लोग कर देंगे कहां से, रिजर्व में से। तो यहां पर जो एंट्री पास होगा वो क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। ठीक है, और आगे हम लोग कर लेंगे टू, इन्वेस्टमेंट का रेट घट गया तो इन्वेस्टमेंट हमारा एसेट होता है, घटने पर क्रेडिट कर दें। ठीक है, इसका जो टोटल अमाउंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 30,000 और 30,000। बताओ रिजर्व का कुछ भी बैलेंस बाकी रहा, 30,000 में से 30,000 तुम लोग लॉस को कंपनसेट कर लिए, अगर कुछ रहता तो वो लोग पार्टनर्स में डिवाइड करते, है तो नहीं, अब तो डिवाइड नहीं होगा। सिक्स के बाद हम बता रहे थे कि तुमको फोर्थ को बाद में देखना। ठीक है, तो अभी अब हम लोग फोर्थ को ले रहे हैं, यहां जो फोर्थ बताया उसमें मार्केट वैल्यू कितने का आ गया, 60,000 का, मतलब जिसका रेट 1,00,000 था वो अब 60,000 हो गया, लॉस कितने का गया, 40,000 का लॉस गया, है ना। अब देखो थोड़ा ध्यान से, कल वाला चीज याद है, जब हमारे रिजर्व से ज्यादा का क्लेम आता था, पिछले क्लास में तुम लोग देखा होगा जितने का रिजर्व करते थे उससे ज्यादा का क्लेम होता था वर्कमेंट को लेकर, तो हम लोग जो डिफरेंस का अमाउंट होता था उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट से सेटअप करते थे। ठीक है, तो बस वही बात अभी भी हम लोगों को करना है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट करेंगे, यहां 30,000 होगा, 10,000 का एक्स्ट्रा लॉस है उसको हम लोग कहां लेकर चले गए, रिवैल्यूएशन अकाउंट में, जो एक्स्ट्रा लॉस उसका अमाउंट 10,000 है, और इन्वेस्टमेंट का रेट घट गया कितने से, 40,000 से, तो इसको हम लोगों ने लिख लिया। ठीक है, अब देखो यहां रिवैल्यूएशन का बैलेंस आ गया, नया नॉमिनल अकाउंट होता है, ये लॉस है ना रिवैल्यूएशन अकाउंट से भी, था ना ये 30,000 का तो घटाई, यहां देखो टोटल 40,000 का लॉस है हमारा, है ना, तो 40,000 के लिए 30,000 इसका यूज किए, 10,000 हमारा रिवैल्यूएशन से आया। अब इस रिवैल्यूएशन अकाउंट के लॉस को लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, किसको, पार्टनर्स को। तो इसके लिए जो फोर्थ है हमारा उसमें दो जर्नल एंट्री पास होगा, ए और बी, बी वाले को लोगों को क्या करना है, इस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसके लिए जर्नल एंट्री बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, डेबिट किए इसको, और इसका जो बैलेंस होगा रिवैल्यूएशन का वो 10,000 है, यहां 10,000 लिखेंगे, और इसको जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो किस रेशियो में, पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में। ठीक है, ये हमारा कौन सा था, फोर्थ है। अब आखिरी बाकी है, जब हमारा मार्केट वैल्यू क्या हो गया, 1,20,000। अब थोड़ा ध्यान से देखोगे समझ में आएगा। इस बार देखो हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है वो कितने का है, 30,000 का, तो हम लोग डेबिट कर लिए 30,000। ठीक है, इस बार देखो तो क्या रेट घट गया,
पहले से हमारा रेट था कितना इन्वेस्टमेंट का 1 लाख, वो अब कितना हो गया 1,20,000, तो घटाया बड़ा प्रॉफिट की लॉस प्रॉफिट। यहां तो लॉस के कंपनसेशन के लिए नाम लोग रखे हुए थे कि अगर घटेगा तो उससे कंपनसेट करेंगे, अभी तो घटा ही नहीं प्रॉफिट हो गया हमारा। तो जो इन्वेस्टमेंट का पूरा पैसा है फ्लक्चुएशन रिजर्व का इन्वेस्टमेंट में, वो किसको हम लोग दे देंगे पार्टनर्स को, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टोटल पैसा पार्टनर्स को चला जाएगा ठीक है, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ टोटल 30,000 लेंगे और ये किस रेशियो में आएगा तो ओल्ड रेशियो में। अब देखो जो रेट बढ़ा उसके लिए भी तो जर्नल एंट्री होगा, रेट बढ़ाना 20,000 तो 20,000 के लिए जर्नल एंट्री बनेगा। इन्वेस्टमेंट हमारा इंक्रीज किया हुआ है तो इस वजह से हम लोग चूंकि इन्वेस्टमेंट एसेट होगा ठीक है तो उसको हम लोग क्या कर लेंगे डेबिट करेंगे, कितने से इंक्रीज कर गया भाई 20,000 से ठीक है। तो जितने से इंक्रीज किया उस अमाउंट को हम लोग लिखे यहाँ 20,000 और टू आ गया हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट ठीक है। ये जो रेट इंक्रीज किया इसको किस अकाउंट में ट्रांसफर किए रिवैल्यूएशन में, कितने का रेट इंक्रीज किया 20,000 का ठीक है। अब इस रिवैल्यूएशन को जो क्रेडिट किया तो ये हमारा प्रॉफिट हुआ है, 20,000 का प्रॉफिट था ना, 1,00,000 से 1,20,000 हुआ प्रॉफिट का। ये प्रॉफिट आप किसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करके देंगे पार्टनर्स को देंगे ठीक है। तो इसके लिए जर्नल एंट्री बनेगा अब आखिरी, यानी अगर रेट इंक्रीज करे तो कितना जर्नल एंट्री बना टोटल 3 जर्नल एंट्री ठीक है। रिवैल्यूएशन को यहां डेबिट किए, कितने कितना बैलेंस है रिवैल्यूएशन का 20,000 और किसको गया भाई ये प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और अमाउंट कितना 20,000। अलग अलग केस हमारा खत्म हो गया ठीक है। जहां जहां पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखा हुआ है उन सभी प्लेस पर पार्टनर्स करेंट अकाउंट भी हो सकता है अगर कैपिटल क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वो फिक्स्ड है, फिक्स्ड कैपिटल होने पर कैपिटल के प्लेस पर करेंट अकाउंट यूज करेंगे। और हमेशा हम लोगों को याद रखना है जहां जहां कैपिटल अकाउंट हम लिखे हुए हैं वहां वहां के अमाउंट को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का टॉपिक था वो अब समाप्त हो गया ठीक है। और हमारा जो कल का वीडियो होगा या कल का क्लास होगा वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पर होगा जो कि गुडविल है ठीक है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। और ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल आपको मिलेगा चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मतलब रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में ठीक है। चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट डेट, इन चारों चैप्टर में जैसा हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फर्स्ट में करेंगे ऐसा ही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आखिरी तक चलेगा। इस वजह से अगला वाला जो हमारा वीडियो है या क्लास है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। थ्योरी के लिए आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है, जिसका की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। पिछले वीडियो को भी आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से देख सकते हैं ताकि आपको हमारा आज का वीडियो ज्यादा अच्छे से समझ में आए ठीक है।